हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम नया चटपटा टेस्टी और यमी सा नाश्ता। इसे हम आलू और गेहूं के आटे से बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे नई रेसिपी की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। इसे बनाने के लिए हम लेंगे आधी कटोरी सूजी। सूजी से यह नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं और केवल आटे से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे, इन्हें फूलने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद देखेंगे सूजी अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसमें 2 कटोरी गेहूं का आटा डालेंगे। अब हम 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लेंगे और इन्हें हम कद्दूकस कर लेंगे। आलू को हाथों से भी मैश करके डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। और अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 कटोरी हरा धनिया डालेंगे, इसमें आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। इसके साथ ही हम आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी सब्जियों को बारीक काटें और इन्हें मिक्स करते हुए एक डो जैसा बना लें। इन्हें बिना पानी डाले गूँथे, ये अच्छे से गूँथ जाते हैं और इस तरह का सॉफ्ट डो तैयार कर लें। इसमें हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इन्हें एक बार और मसल लेंगे, इससे आटे में थोड़ी चिकनाई आ जाएगी। और अब हम इसमें से एक बड़ी लोई तोड़ लेंगे, हाथों में रोल कर लें और इन्हें सूखे आटे में लपेट लें। अब इन्हें बेल लें। इन्हें हम रोटी से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और रोटी से थोड़ा मोटा। इन्हें मैंने इतना मोटा रखा है, इसे हम एक तरफ रखेंगे और एक दूसरी रोटी बेल लेंगे। अब हम इसे यमी बनाने के लिए चीज़ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, आप प्रोसेस चीज़ भी ले सकते हैं। और इन्हें हम लंबे लंबे पीसेस में काट लेंगे। इन्हें रोटी के ऊपर इस तरह से लगा लें। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दें और हाथों से किनारे से दबा दें। अब हम चाकू लेंगे और इन्हें हम त्रिकोण शेप में काट लेंगे। इस तरह से एक बार में 5 से 6 नाश्ता तैयार हो जाता है। कट करने के बाद हम एक एक को इस तरह से तीनों तरफ से दबा लेंगे। अच्छे से दबा लें, अन्यथा जब आप तेल में फ्राई करेंगे तो ये चीज़ बाहर निकलने लगेंगे। तो इन्हें अच्छी तरह से चारों तरफ से दबा लें। सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और इसमें हम एक एक करके डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, यह नाश्ता गेहूं के आटे से बना है, तो गैस का फ्लेम धीमा कर लें और धीमी गैस पर ही इन्हें फ्राई करें। इन्हें उलट पलट कर गोल्डन होने तक सेकें। इन्हें तलने में जल्दबाजी न करें, अन्यथा ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे गोल्डन हो गए हैं। हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, बहुत ही यमी और टेस्टी दिख रहे हैं। इन्हें आप टोमेटो सॉस के साथ खाएं या ऐसे भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हुए हैं। मैं इन्हें तोड़कर दिखा रही हूँ, अभी थोड़े ये गर्म है। तो फ्रेंड्स, एक बार इस यमी नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें।